अब आपको बताएं, थाना डिफेंस की पुष्ट पनाही में नामालूम अफराद का आइसक्रीम पार्लर पर धावा। नामालूम अफराद ने भत्ता ना देने पर साथियों समेत आइसक्रीम पार्लर पर हमला कर दिया। पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई ना हो सकी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सबील हसन से। सबील हसन, बताइएगा पुलिस की जानिब से अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल, 24 घंटे गुजर चुके हैं। थाना डिफेंस की पुष्ट पनाही में बासठ शख्सियात का आइसक्रीम पार्लर पर धावा और इसके साथ साथ बासठ शख्सियात ने भत्ता ना देने पर अपने साथियों समेत आइसक्रीम पार्लर पर हमला किया है। मेन बुलेवर्ड पर आइसक्रीम पार्लर डिफेंस की हदूद में आइसक्रीम पार्लर पर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन की खूब तुराई भी की है। इसके साथ साथ बिलाल नामी बासठ शख्स ने आइसक्रीम पार्लर के मालिक पर भी खूब तशद्दुद किया। इसके साथ साथ पुलिस ने अभी तक जो दरख्वास्त जमा कराई गई है, 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक थाना डिफेंस की पुलिस ने उस बासठ शख्सियत को करने में नाकाम है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से जब आइसक्रीम पार्लर के मालिक की जानिब से जब दरख्वास्त भी जमा करा दी गई और तमाम तरह हुए की सीसीटीवी फुटेज भी लाहौर न्यूज को भी मौसूल हो चुकी है। यही सीसीटीवी फुटेज जो है एसएचओ डिफेंस थाने को भी जमा करा दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं अमल में नहीं आ सकी। शुक्रिया सबील हसन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।